दोस्तों तो आज जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है प्रश्नावली 8.2, इसमें क्या है कि आपको त्रिकोणमिति का मान बताना है। तो हमारा जो पिछले वाला वीडियो है उसमें आपको त्रिकोणमिति का जो है थीटा का मान निकालने के लिए बताए। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिए और इसका हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी सेंड कर देंगे। ओके, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, निम्नलिखित का मान निकाले। तो यहाँ पे देखिए गाइस, हमने क्या किया है, फर्स्ट नंबर का क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री और प्लस साइन कितना है 30 डिग्री एंड कोस 60 डिग्री। तो आपको बताना चाहेंगे कि हमने देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो पीछे वाला वीडियो है उसमें आप लोगों को बताए थे। तो साइन 60 डिग्री का मेरा जो मान है, यहाँ पे देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना है 1/2। दूसरा क्या है मेरा, कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 ही यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना आता है, 3/2। ओके, इंटू कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है गाइस, 3/2 ही होता है, 3/2 कितना होता है 2, प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, इंटू कोस 60 डिग्री का मान कितना आता है 1/2, तो 3/3 तो कितना हो जाएगा 3/4 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/4। इन दोनों का लघुत्तम हम जब लेते हैं तो 4 होगा, 3+4 तो कितना आ जाएगा 4/4, अर्थात आंसर क्या होगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 1। अब मेरा सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 tan पे कितना है स्क्वायर 45 डिग्री और इसके बाद प्लस कोस स्क्वायर कितना है 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, इसके बाद क्या है माइनस, माइनस क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। ओके, तो 2 into 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो 1 पे क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, जस्ट हमने तो कोस 30 डिग्री का मान कितना रखे, 3/2, तो क्या रखेंगे 3/2 पे क्या होता है स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री। अभी देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या निकाल रहे हैं, 3/2, तो यहाँ पे रखेंगे 3/2 पे क्या होता है स्क्वायर। ओके, तो 2 हो जाएगा प्लस 3/2 को स्क्वायर करेंगे तो 3/3 तो 3/2 कितना हो जाएगा 4 और माइनस इसको करेंगे तो 3/2 कितना हो जाएगा 4। समझ में आया, अब आपको तो क्या करना है, इस सारे का लघुत्तम है तो ये 3 ये दोनों कैंसिल हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा 2। तो सेकेंड नंबर का मेरा आंसर कितना हुआ 2। अब थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में क्या बोलता है भाई, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, कोस 45 डिग्री यानी कि कोस कितना है 45 डिग्री और बटे कितना है, बटे में है सेक कितना है 30 डिग्री, सेक कितना है 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री, प्लस कितना है कोसेक कितना है 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, इसके बाद क्या है सेक 30 डिग्री, इसके बाद प्लस कोसेक कितना है 30 डिग्री। तो आपको बताना चाहेंगे कि कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है गाइस, 1/2। यहाँ पे देख लीजिए कोस 45 डिग्री का जो मान होता है 1/2 कितना होता है 2, यहाँ पे देखिए कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, तो क्या देखेंगे यहाँ पे देखिए 1/√2 हो गया। ओके, अब कोसेक कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे देखिए कोसेक 30 डिग्री, यहाँ पे देखें ये 30 डिग्री का टेबल है, कोसेक में देखिए कितना आया 2/√3, तो यहाँ पे क्या देखेंगे 2/√3 और प्लस क्या है कोसेक है 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना है 2, यहाँ देखिए 30 डिग्री में कितना आया 2, देखिए कितना यहाँ देखेंगे प्लस में 2 कॉमन यहाँ पे 1। ओके, अब इसको क्या करेंगे गाइस, हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में क्या होगा 1/√2, नीचे जो मेरा लघुत्तम होगा कितना हो जाएगा 3/√, इसके बाद ये 2 और प्लस 2√ कितना हो गया 3। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे इसको हर करते तो 1/√2, इसके बाद देखिए भाग में मेरा क्या है 2+2√3 और √3, तो इसको अगर भाग से आप लोग अगर डिवाइडेड में करते तो क्या हो जाएगा 1/√2, भाग से डिवाइडेड करते हैं इसको प्लट जाते तो क्या हो जाएगा 3/2+2√3, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बटे, अब 2 into 2√3 तो क्या रहेगा 2√2 कितना पैदा हो जाएगा 2√2, इसके बाद इसको अकर्णी कहते हैं तो इसमें हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 2√ कितना हो जाएगा 6, तो
तो ये मेरा क्या जाएगा आंसर हो गया। ये कितना नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का। अब मेरा नेक्स्ट क्या आएगा, 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन में जो आपका है साइन 30 डिग्री, पहला क्या है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। इसके बाद प्लस क्या बोल रहा है, टेन 45 डिग्री, टेन कितना है 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। माइनस क्या है कोशिक, माइनस कोशिक कितना है 60 डिग्री, कोशिक कितना है 60 डिग्री। 4 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद बटे है नीचे में मेरा, बटे के बाद क्या है सेक कितना है, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री। और फिनेस कोशिक कितना है, कोशिक मेरा है 60 डिग्री, सॉरी नीचे में क्या है सेक 30 डिग्री प्लस कोस है, कोशिक नहीं है, प्लस कोस कितना है 60 डिग्री, और प्लस क्या है कोट क्या है 45 डिग्री। एक बार मिला देते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोशिक 60 डिग्री। ओके, नीचे में क्या है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट कितना है 45 डिग्री। ये मेरा क्या है क्वेश्चन है। ओके, अब इसका जो है हम रूप की निकालते हैं मान, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है गाइस, 1/2 क्या होता है 2, और प्लस टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, टेन अगर आप 45 डिग्री का मान निकालते हैं तो 1, माइनस कोशिक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3। इसके बाद बटे नीचे में क्या है मेरा साइन सेक, सॉरी सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3, 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, प्लस कोट 45 डिग्री, तो कोट 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। ओके, अब इसको हर करते हैं तो यहाँ पे देखिए रघुत्तम क्या हो जाएगा 2/√3 क्या हो जाएगा मेरा रघुत्तम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा 2/2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 3/√, प्लस यहाँ पे 2/√ कितना हो जाएगा 3, इसके बाद ये 3/3 कैंसिल, माइनस कितना हो जाएगा 4, इसके बाद संपूर्ण बटे है नीचे में भी क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3, तो यहाँ 3/√3, तो 2/2 कितना हो जाएगा 4, 2/2 कितना हो जाएगा 4, इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा साइन, इसके बाद 2/2 क्या हुआ कैंसिल, प्लस रूट कितना हो गया 3, और इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 2/√3। ओके, तो ये मेरा क्या हुआ, मेरा कैंसिल हो गया, तो नीचे में क्या बचा मेरा यहाँ पे 3/√3, देखिए 3/√3, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम देख सकते हैं 3/√ कितना 3 माइनस कितना 4, 3/√3 यहाँ पे देखिए 3 और 2/√3, तो 2 कितना 3 माइनस 4, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, इसके बाद 2 + 3, तो कितना हो जाएगा प्लस 3/√ मेरा कितना हो गया 3। अब इसका हम क्या करते हैं हर परिमेयकरण, आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा होगा हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं सीधा करते हैं, यानी कि 3/√3 माइनस 4, आप बटे ऐसे लिख सकते हैं 3/√3 और प्लस 4, तो नीचे हर परिमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे वाले जो होगा उसको से यहाँ पे क्या करेंगे 3/√3 माइनस 4 से, इसके बाद 3/√3 और फिर माइनस 4 से, तो a 3/√3, ये तीनों दोनों क्या हो जाता है सेम हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3/√3 माइनस 4 पे स्क्वायर, यहाँ देखिए a प्लस b a माइनस b, तो ये a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब इसको तोड़िए तो a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर माइनस 2 × a × b, इधर नीचे क्या हुआ 3×3 9, 9×3 कितना आ जाएगा 27, माइनस 4×4 का कितना हुआ 16, तो ये 3×3 9, 9×3 कितना हुआ 27, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं 27 माइनस 4×4 16, ये हो गया 4×3 × 3 × 6 × 6×4 24, माइनस कितना हुआ 24, ये सॉरी कितना में है प्लस में, आप बटे 27 में जब आप 16 घटाइएगा तो कितना बचता है 11। ओके, तो यहाँ पे देखिए 27 में 16 जाने के बाद 11, सॉरी यहाँ पे क्या है रूट, तो 11 और माइनस 24, 11 माइनस कितना हो जाएगा ये एक मिनट गाइस, ये 27 16 क्या है प्लस में है, तो इसको क्या हो जाएगा 43, 7×6 = 13, 2×3 = 43 माइनस 24√3 और बटे कितना हुआ 11, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, ये मेरा 3 नंबर का क्या हो गया आंसर। एक लास्ट जो है सॉरी 4 नंबर, एक लास्ट जो है मेरा 5 नंबर बचा है गाइज, 5 नंबर जो है इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, 5 नंबर जो कि ये लास्ट है इसमें बोल रहा है
पांच नंबर जो मेरा वैल्यू है इसमें क्या क्या दिया गया है गाइस, यहाँ पे देखिए पांच नंबर में दिया है, जस्ट इट गाइस आप पांच नंबर में जो दिया है फाइव कोस क्या दिया है, फाइव कोस स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस फोर सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे क्या दिया है साइन साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर कितना दिया है 30 डिग्री। तो पहले क्या करेंगे फाइव कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है एक बटे दो, उस पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर देंगे और प्लस फोर सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है दो बटे रूट थ्री, दो बाय रूट थ्री पे क्या हो जाएगा स्क्वायर ओके, माइनस क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री का वन पे क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है वन बाय टू पे क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है रूट थ्री का क्या होता है टू, इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा कितना फाइव बाय वन बाय फोर प्लस फोर इंटू दो दूनी चार बाय थ्री माइनस वन, नीचे में मेरा क्या हो जाएगा वन बटे चार और प्लस रूट थ्री थ्री बाय कितना हो जाएगा चार, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा पांच बाय चार और प्लस सोलह बाय थ्री माइनस कितना हुआ वन, नीचे में मेरा देखिए क्या हो जाएगा वन वन बाय फोर और प्लस थ्री बाय कितना हुआ फोर। अब ये चार तीन का मेरा जब लघुत्तम निकालते हैं तो कितना निकलेगा मेरा बारह, तो यहाँ देखेंगे बारह, इसके बाद चार यहाँ कटा तो तीन, पांच दिया कितना हुआ पंद्रह ओके, इसके बाद प्लस का साइन देंगे यहाँ पे देखिए तीन है यहाँ पे बारह, तो चार सोलह चौकी कितना होता है चौसठ, सोलह चौकी कितना हुआ चौसठ, इसके बाद माइनस बारह हो गया, नीचे में आइए लघुत्तम कितना होगा यहाँ पे चार होगा, तो चार लघुत्तम रहने के बाद यहाँ पे वन प्लस कितना हो जाएगा थ्री ओके। तो यहाँ पे देखिए पंद्रह और चौसठ क्या है प्लस में, तो पंद्रह में और आ गया तो तीन बचा, तीन मेरा बचा तो चौसठ तीन कितना चौतीस सात, तो कितना हो जाएगा सड़सठ, मेरा कितना होगा सड़सठ बटे कितना हुआ बारह, ये हुआ चार और बटे कितना चार, तो ये एक कैंसिल यानी कि सड़सठ बटे बारह इसका मेरा क्या हुआ आंसर हुआ। आप लोग एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पहला मेरा क्वेश्चन हुआ, ये मेरा पहला क्वेश्चन, ये मेरा कितना है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये मेरा कितना है तीसरा नंबर क्वेश्चन है ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि इसके बाद ये मेरा कितना है चौथा नंबर क्वेश्चन है ओके, यहाँ से यहाँ तक ये गया है चौथा नंबर क्वेश्चन ओके, और ये मेरा क्या है पांचवा नंबर क्वेश्चन। और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब